अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक टॉपिक लेके आए हैं, क्या होता है किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है तो उनकी स्पीच चली जाती है या फिर उनकी उतनी अच्छे से स्पीड नहीं बन पाती, उतने अच्छे फ्लो से नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आज कुछ टिप्स लेके आया हूँ। दोस्तों क्या होता है कि हम बात करते हैं कि बिल्कुल भी स्पीच नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देखो क्या होता है, पहले आपको उसके कारण का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो हम एक्चुअली स्पीच कैसे चलती है, जब हम बोलते हैं तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो सबसे पहले आपके कान में जाता है, कान से जाता है वर्निक एरिया में। वर्निक एरिया उस बात को समझता है, वो अंडरस्टैंडिंग करता है कि सामने वाले ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, वहीं से उसका आंसर तैयार हुआ माय नेम इज़ मोहम्मद इंतजार, वर्निक एरिया तैयार करता है। और वर्निक एरिया से ब्रोका एरिया में जाता है, ब्रोका एरिया का काम क्या होता है, मुंह के जरिए बाहर निकालने का काम करता है। बस जब ब्रेन स्ट्रोक होता है या ब्रेन हेमरेज होता है या पैरालिसिस होता है तो वो ब्रोका एरिया इफेक्ट हो जाता होता है, तो वो उतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो इसलिए वो हो जाता है। तो उनको भूलने की वो हो जाती है उनकी, वर्निक एरिया तो काम कर रहा है, ब्रेन में सारी बातें रहती हैं, सब समझते हैं कि हमें क्या बोलना है, लेकिन वो मुंह के जरिए ब्रोका एरिया पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता और वो वर्ड्स मुंह के जरिए बाहर निकल नहीं पाते और बड़े परेशान से हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि उनको गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है कि हम नहीं बोल पाते, और सामने वाले को जो उनके घर वाले होते हैं वो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है, कि और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ थेरेपियाँ कुछ प्रैक्टिस लेके आएंगे। पहली बात तो जो अगर उनको पैरालाइज है, अगर उनका पैरालाइज चेहरे पर है तो थेरेपी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टंग की कोई भी अगर टंग पे या फेस पे है तो सबसे पहले उसका पैरालाइज एक्सरसाइज के जरिए, मैं कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, हालांकि पैरालाइज की वीडियोस बनी हैं, आप उस पर जाइए और उस पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ मैं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, कुछ मैंने आईब्रो की, कुछ मैंने टंग की, कुछ चीज़ें बता रखी हैं, तो वो करना ज़रूरी है। जब तक पैरालाइज नहीं जाएगा तो स्पीच नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेंट उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टंग एक्सरसाइज करवानी है। टंग एक्सरसाइज में दो तीन बता देता हूँ, जैसे इन आउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट, प्रेस विद पॉइंट फिंगर, ये कुछ एक्सरसाइज हैं। टंग एक्सरसाइज करवानी है, यूट्यूब पे बेशुमार पड़ी है, मेरे यूट्यूब पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओ, टंग एक्सरसाइज अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो टंग एक्सरसाइज करवानी जरूरी है, क्योंकि टंग पूरी मूव करेगी तभी ये होगा। इसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप कैंडल ब्लोइंग कर सकते हो और इन आउट कर सकते हो, रेस्पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे ब्लोइंग की एक्सरसाइज करनी है, नाक से सांस लेना, मुंह से छोड़ना। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज फूंक मारना। इस तरह कुछ बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप स्ट्रोक का ही इस्तेमाल कर सकते हो, यानी बबल्स फुला सकते हो, और बहुत सारी जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि लंग्स आपके उनके पेशेंट के पंप होने चाहिए। उसके बाद आता है स्पीच थेरेपी में। स्पीच थेरेपी में क्या करना है, स्पीच थेरेपी में जैसे हम बच्चों को कायदा पढ़ाते हैं, वो हमें कायदा पढ़ाना है। आप हिंदी कायदा पढ़ाएं, इंग्लिश कायदा पढ़ाएं, जो भी है, जैसे हम हिंदी कायदा पढ़ाते हैं, अब उसके पीछे दो कॉन्सोनेंट लेने हैं, आ ई ऊ, आपने साथ साथ बोलना है उनको, या जैसे दो कॉन्सोनेंट ले लिए आपने, आ और ई ले लिया, आ ई, कायदा भी लिखना है आ और ई, आ ई, बार बार पढ़वाने उनको, कहो कि कॉपी पे जैसे बच्चों को कहते हैं आ और ई ऊपर लिख दिया, आप लिखते भी रहो और बोलते भी रहो, तो बोलते भी रहेंगे आ आ आ आ आ ई ई ई ई, लिखते भी रहेंगे, तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा दिस इज आ दिस इज ईजी, फिर आप कंपैरिजन करोगे आ ई। ठीक है, इसी तरह आ ई ऊ ओ आ, इस तरह जो फेस की चेंज होती रहेगी उनको आता रहेगा, लेकिन आपको याद करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं तो आप उनको काउंटिंग सुने कि काउंटिंग सुनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक काउंटिंग होगी, फिर वो उल्टी गिनती सुनाए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,
इस तरह हर चीज़ बैक सुने, फ्रूट्स नेम सॉरी वो मंथ नेम बैक सुने, सीधे भी सुने बैक भी सुने, और सप्ताहों का नाम या डेज ऑफ वीक सीधे भी सुने उल्टे से, हर चीज़ उल्टी, ताकि उनका ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो। आप ब्रेन बूस्टिंग की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जो यूट्यूब बहुत सारी मिलती है ब्रेन बूस्टिंग की, जैसे कि ओके टू ठीक है, ओके टू, और ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं। जैसे कि आपको एक इसमें मिडिल फिंगर ले ली, एक पॉइंटिंग फिंगर, एक रिंग फिंगर, इनको एक साथ करना है। तो ब्रेन एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज क्या और भी कर सकते हो, जैसे बॉल को फेंकना है, एक सर्कल है, बॉल फेंकना है, वो टप्पा खा के उस सर्कल में, और दूसरे वाला कैच करेगा, फिर दूसरे वाला आपकी तरफ फेंकेगा। तो इस तरह की ब्रेन एक्सरसाइज भी आप करवा सकते हैं। स्पीच थेरेपी में बहुत ज़्यादा उनसे बोलें, बहुत ज़्यादा बातें करें, घर में बैठ के बातें करें और उनसे रिप्लाई लें, रिश्तेदारों की बातें करें, फ्रेंड सर्कल की बात करें, जो उनकी जॉब प्रोफाइल है उनके बारे में बात करें, और उनसे बार बार रिप्लाई लें, उनसे बुलवाने की कोशिश करें। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अभी स्टार्टिंग आप उनसे कैसे करवा सकते हैं, कैसे उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कराओगे, आप बहुत आपको आराम मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग का है, और आप ये करें, जब आपको रिजल्ट मिलता है तो मैं इससे आगे चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, इसके बाद क्या करवाना है। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको ठीक कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।